कार इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर के नबुआ विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहा हूं और हमारे सामने इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता जयशंकर त्रिपाठी जी हैं। आइए हम उनसे बात करें। सबसे पहले नेता जी, आप अपने बारे में बताइए। भाई साहब, जयशंकर त्रिपाठी, नबुआ बाजार का मैं निवासी हूँ। विगत 28 वर्षों से व्यापार मंडल की मैं राजनीति कर रहा हूँ और व्यापार मंडल का मैं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष के पद में काम कर रहा हूँ। 2014 से मैं भारतीय जनता पार्टी में अनवरत कार्य। जैसा कि अभी नबुआ को विगत काफ़ी पहले नगर पंचायत घोषित किया गया है और सुनने में आ रहा है कि आप नबुआ नगर पंचायत से प्रबल प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगे, तो क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव लड़ने का? पहली बात तो जहाँ तक आप प्रबल उम्मीदवार के रूप में मान रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई दूँ कि जिसको पत्रकार महोदय प्रबल मान लें उसकी जीत उसी दिन सुनिश्चित होगी जिस दिन वो प्रबल मान लें। इसके पहले भी जब नबुआ नगर पंचायत नहीं बनाया गया था तो इसके पहले भी आपने यहाँ पर चुनाव लड़ा था, तब शायद आप प्रधानी का चुनाव लड़े थे जैसा हमारे संज्ञान में आया था, तो चुनाव लड़े थे तो क्या मुद्दा था और क्या कैसे, उसके बारे में बताएं। इसके पहले मैं जब चुनाव लड़ा था ग्राम पंचायत नबुआ, ग्राम पंचायत नबुआ में जिस तरह से हमको यहाँ पर जनता का प्यार स्नेह हमको मिला, शायद वह किसी को नहीं मिला। ये वाणिज्य क्षेत्र है, यहाँ पर व्यापारियों का हजूम ज़्यादा है। ब्राह्मणों का गांव यहाँ पर दो गांव है, एक गोसाई का पूरा लगता है, एक यहाँ पर भटोलिया गांव लगता है। वहाँ से भी प्रत्याशी जब खड़े हो जाते हैं, जबकि एक दूसरे के सभी रिश्तेदार भी, इसके बावजूद भी मैं वहाँ से वोट निकाल लाया हूँ, ये बहुत आसान नहीं है। वहाँ के यहाँ नबुआ के लोग हमको दिल से प्यार करते हैं। 592 वोट नबुआ में मैं चुनाव लड़ा और 592 वोट हमको मिला था और 42 वोट से हमें जो है हार का सामना करना पड़ा। जैसा कि जो सोशल मीडिया पर और भी बातें देखी जा रही हैं कि चुनाव किसके पक्ष में रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, बहुत से प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन जयशंकर त्रिपाठी का नाम कुछ ज़्यादा ही सुनने में आता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आता है, मैं 28 वर्षों से यहाँ पर जन जन की आवाज़ बनकर के यहाँ मैं हमेशा रहा हूँ। मेरा अपना पैतृक आवास और निवास रहा है, इसलिए लोग हमको चाहते हैं कि अगर किसी को रात में भी अगर ज़रूरत पड़ी किसी काम को लेकर के, काम को लेकर के, चाहे मारपीट हो, चाहे थाने का कोई मैटर हो, चाहे उसका व्यक्तिगत कोई मामला हो।